वेलकम टू ध्वनिस किचन। आज मैं एक स्वीट रेसिपी शेयर करूंगी, पेंडा। आज हम मावा यूज़ करके पेंडा तैयार करेंगे। हम इसे किसी भी त्यौहार पे या ऐसे ही स्वीट खाने का मन करे तो बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो पेंडा बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम मावा लिया है, अराउंड 2.5 कप मावा। इसके सामने मैंने 1 कप शुगर ली है, बूरा शुगर, घी 1 टेबल स्पून, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून और पिस्ता। अब एक पैन में 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। घी गर्म होने के बाद हम उसमें मावा डाल देंगे। मावा अगर थोड़ा सा हार्ड है तो इसे हम क्रम्बल करके इसमें ऐड करेंगे, और मावा सॉफ्ट है तो ये ऐसे ही मिक्स हो जाएगा। हम इसे कंटिन्यूस मिक्स करते रहेंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है, गैस की फ्लेम हाई नहीं रखनी है, नहीं तो मावा का कलर जल्द ही चेंज हो जाएगा। हमें इसे ऐसे कंटिन्यूस मिक्स करते रहना है। मैंने मावा को 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही सेक लिया है। थोड़े टाइम के बाद अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। मावा लाइट ब्राउन कलर का हो जाए तब तक हम इसे सेकेंगे, और ये धीरे धीरे पैन भी छोड़ने लगेगा। तो अब ये मावा सीख गया है, अब हम इसे ठंडा करेंगे। मावा ठंडा हो जाए तब हम उसमें बूरा शुगर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप बूरा शुगर ऐड की है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच शुगर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर यूज़ की है। मावा थोड़ा ठंडा हो जाए बाद में ही हम शुगर ऐड करेंगे। अगर गरम मावे में हम शुगर ऐड करेंगे तो शुगर पानी छोड़ने लगेगा और ये मिक्सचर सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा के हम पेड़ा तैयार करेंगे। आप कोई भी शेप में या कोई भी साइज़ में पेड़े बना सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड अवेलेबल है तो उसमें पेड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं, और हाथ से भी हम ऐसे बना सकते हैं। अब इसके ऊपर ऐसे पिस्ता लगा देंगे तो ये पेड़ा तैयार है। ऐसे करके हम सारे पेड़े तैयार करेंगे। तो ये मावा पेड़ा तैयार है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये बाजार जैसा टेस्टी ही बनता है।